सभी श्रोताओं को सादर जय सियाराम। आशा करता हूँ कि राम जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ और आनंद में होंगे। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप पूरा वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। अब मैं सीधे विषय पर आता हूँ। हमारे घर पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे मन के अनुकूल होते हैं। उनसे हमारी वैचारिक समानताएँ होती हैं और जब भी वो हमारे घर पर आते हैं, हम उन्हें किसी न किसी प्रकार रोकने का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम केवल जुड़े होते हैं, इनसे हमारा कोई विशेष प्रेम नहीं होता है। ऐसे लोग जब हमारे घर पर आते हैं तो हम इनके साथ बैठते तो हैं, किंतु हमारे मन में चल रहा होता है कि ये व्यक्ति कब जाएं, और जैसे ही ये लोग जाने को कहते हैं तो हम भी इन्हें रोकने का कोई विशेष प्रयास नहीं करते हैं। अब आते हैं तीसरे प्रकार के हमारे जानने वाले। इनसे हमारा मन सदैव दूर रहता है और हम प्रयास भी करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे घर पर भी ना आवे। कुछ लोग तो इनके आने पर झूठ तक बुलवा देते हैं अपने घर वालों से कि कह दो कि जिनसे आप मिलने आए हैं वो घर पर है ही नहीं। अब ईश्वर के भी यह तीन प्रकार के ही मेहमान होते हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि वो अपना पूरा जीवन व्यर्थ में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उनका मन कभी भी ईश्वर की तरफ जाता ही नहीं है। जब भी कोई उनसे ईश्वर विषय वार्तालाप करता है तो वो उसको मूर्ख समझने लगते हैं और कहते हैं कि अभी बहुत समय है, बाद में ये सब बातें करेंगे। हालांकि पता नहीं कि वो बात उनके जीवन में आ भी पाएगा या नहीं। अब आते हैं दूसरे प्रकार के मेहमान। ये परमात्मा का चिंतन केवल उतनी देर तक ही करते हैं जितनी देर वो मंदिर में हो या अपने घर में भगवान की पूजा कर रहे हो। उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं परमात्मा से। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के मेहमान की। इनसे ईश्वर को भी विशेष प्रेम होता है। ये जब भी मंदिर जाते हैं या अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं तो ये कभी समय नहीं देखते हैं। ये हर समय ईश्वर से जुड़े रहने के प्रयास में ही रहते हैं, चाहे ये अपने कार्य क्षेत्र में हो, पर ये अपने कार्य को भी ठाकुर की सेवा मानकर ही करते हैं। इनका हर कर्म पूजा बन जाता है। हालांकि वो परमात्मा तो कारण रहित दयाल हैं, वो सब पर अपनी कृपा वर्षा करते हैं, पर परमात्मा से केवल बाह्य तौर पर प्रेम करने वाला उस कृपा का अनुभव कभी नहीं कर पाता। जबकि सच्चा भक्त सुखी रोटी में भी या जीवन की दयनीय स्थिति में भी परमात्मा की कृपा खोज ही लेता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इस कली काल में भक्ति का सर्वोत्तम उपाय नाम जप है। जब आपकी चेतना आए ईश्वर या कोई भी नाम जपिए, ईश्वर का आप कोई भी नाम जपिए। नामदेव जी ने विट्ठल भगवान का इतना नाम जपा कि उनका नाम ही नामदेव पड़ गया। और हाँ, यदि इस कार्य में आपका मन न लगे तो धीरे धीरे अपने मन को लगाइए। आप एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाइए, परमात्मा 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे और आपको सन्मार्ग की तरफ अग्रसर करेंगे। श्री रामचरितमानस में ही लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो जब तक आप सत्संग अर्थात सत्य का संग नहीं करेंगे तो आपको विवेक कहां से आएगा। और यदि विवेक नहीं आया तो आप शायद धन तो बहुत अर्जित कर लें, शोहरत बहुत कमा लें, पर जीवन निरर्थक ही बिता देंगे। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।